राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली पार्टी बाय द फैमिली अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। संविधान दिवस के कार्यक्रम से विपक्ष भले ही नदारद रहा लेकिन प्रधानमंत्री के हमले में उन सारी विपक्षी पार्टियों का वजूद कायम रहा जिनका आधार पारिवारिक विरासत की सियासत रहा। पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली पार्टी बाय द फैमिली अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। पीएम मोदी ने समारोह में विपक्ष के ना आने का सीधा जिक्र नहीं किया लेकिन उनकी बातों से साफ हो गया कि निशाना कहाँ है। ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था, ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है, स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे। सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है, लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए भ्रष्टाचार के गुनहगार करार दिए गए लालू जैसे नेताओं पर भी हमला किया। चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री के हमलों के बाद विपक्ष आग बबूला है। ये खुद ही ऑटोक्रेट है, उन्होंने खुद ही डिक्टेटर जैसे हैं कि अपने पार्टी के लोगों को ही विश्वास में न लेते हुए हर काम करते हैं, हर कानून अनाउंस करते हैं। परिवार के बारे में बात करता है, पहले खुद का संघ परिवार के बारे में सोच ले। ये 2014 में सत्ता में आने के बाद इस देश का जो सामाजिक एक ढांचा थे, इसके ऊपर क्या हमला किया है ये इन लोगों ने। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान को लोकतंत्र को तार तार किया है। सबसे ज्यादा परिवारवाद तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी में है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? वसुंधरा राजे जी। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। केंद्र मोदी सरकार बनने के बाद साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इससे पहले संसद में अहम आयोजन था। विपक्ष के बहिष्कार और पीएम मोदी के भाषण ने मानो शीतकालीन सत्र के गर्म होने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। आज तक ब्यूरो।